उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नवागत उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी की अध्यक्षता में योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में महिला स्वयं सहायता समूह की एक दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। आपदा से बचाव के लिए दिया प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नवागत उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी ने सर्किट हाउस के सभागार में मंडल के आपदा प्रबंधन गतिविधियों की समीक्षा की, बैठक दिए आवश्यक दिशा निर्देश। ऑल इंडिया 2020 लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता 3 मार्च से होगा आयोजन। 8 टीमें लेंगी भाग। विजेता टीम को 3 लाख व उपविजेता टीम को 2 लाख का दिया जाएगा नगद पुरस्कार। मौनी अमावस्या पर हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने राप्ती नदी रामघाट पर लगाया पवित्र आस्था की डुबकी। माता गंगा से परिवार के सुख समृद्धि की कामना। गोरखपुर में वार्ड नंबर 18 झरना टोला की पार्षद माया देवी व पार्षद समद गुफरान का लखनऊ में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद वार्ड में प्रथम आगमन पर नागरिकों के द्वारा फूल मालाओं और ढोल नगाड़े के साथ किया गया भव्य स्वागत। कहा, लोकसभा चुनाव में भाजपा जीतेगी 400 पार सीट। हम लोग पीएम मोदी व मुख्यमंत्री योगी के हाथों को करेंगे मजबूत। हल्द्वानी में हुए दंगा को देखते हुए गोरखपुर पुलिस दिखी सतर्क। कमिश्नर व डीआईजी ने संबंधित अधिकारियों के साथ शहर की स्थिति का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश।